जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुई है। उनमें मुख्यतः तीन बिंदु हैं। आज एक तो जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं और नवंबर में जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलने हैं उनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। मुझे खुशी है कि जो स्कूल खुले हैं 9, 10, 11, 12 के, उनमें उपस्थित जरूर कम रही है लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सैनिटाइज सिस्टम के प्रति एक अपने आप स्वतः से उत्साह जागृत हुआ है। 15-20% के आसपास पहले दिन उपस्थित रही, वो धीरे धीरे बढ़ी भी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि 50% से ऊपर की उपस्थित नहीं होनी है एक दिन में, उसको पाली वाइज या तो उपस्थिति करेंगे। COVID-19 के संबंध में हमने एक दिशा निर्देशिका जारी की है, उसका अक्षरता पालन करने के लिए जो संबंधित विद्यालय हैं उनको कहा गया है, उनका सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम करेगी। और अभी तक जो विद्यालयों में COVID-19 के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया जा रहा है और ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ हमने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखें। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये छूट होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन अपने कक्षाओं में पढ़ सकें। हम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में जल्दी निर्णय लेने वाले हैं कि वो जल्दी प्रारंभ हो सके दशहरे के बाद। चूँकि आजकल यह अक्टूबर और नवंबर का महीना ये त्योहारों का महीना है और इसमें सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो हमारा बिंदु दो जो था वो इसी पे था कि आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था या आवश्यक व्यवस्थाएं क्या हो, कैसे हो। संबंधित जो पूजा कमेटियां हैं, जो रामलीला समितियां हैं, उनके साथ में जिला प्रशासन की बैठकें हो चुकी हैं। मैंने कहा है कि उनके साथ निरंतर बैठकें रखें। मुझे खुशी इस बात की है कि जो पूजा समितियां हैं या जो रामलीला कमेटियां हैं, उन्होंने स्वयं से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को न करने का संकल्प लिया है और कुछ जगह पर ऑनलाइन रामलीला खेलने का निर्णय हुआ है। ये अच्छी चीज़ है और त्यौहार में हम त्यौहार भी मनाएं, लेकिन जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था कि COVID-19 का हम अच्छा पालन करें और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है इस संबंध में उसको हम पालन करते हुए कर सकें, तो ये जो दूसरा था त्यौहारों को मनाने के संदर्भ में ये व्यवस्था दी गई है कि भीड़ भाड़ ना हो और कहीं भी ऐसे कार्यक्रम ना हो जहाँ सैनिटाइज ना हो, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ना हो ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। ये सारी चीज़ें अभी तय की गई। आखिर में हमने जो कोरोना COVID-19 की रोकथाम की जो अद्यतन स्थिति है उसकी समीक्षा करी और मुझे खुशी है कि आगरा में अब मुश्किल से 40-45 केस प्रतिदिन आ रहे हैं और ये संख्या काफ़ी घटी है। और अगर देखा जाए तो इसमें एक्टिव मरीज 485 हैं, जिसमें कुछ लोग ही अस्पताल में हैं, बाकी होम आइसोलेशन में हैं। और अभी तक जो सैंपल लिए गए उसमें 241,779 सैंपल यहाँ लिए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी है, 90% से ऊपर की दर स्वस्थ होने की है और हम कह सकते हैं कि दुखद पहलू जरूर रहा है कि 138 मौतें अभी तक हो चुकी हैं।
ये एक चिंता की बात थी, लेकिन अब प्रतिदिन जो मृत्यु दर है उसमें भी काफ़ी कमी आई है, गिरावट आई है। इसे कुल मिला के कोविड 19 के संदर्भ में भी कहा गया है, जैसा कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में है, कि सावधानी पूरी तरीके से बरतनी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पर अंकुश लगाते हुए जो रोकथाम के जितने भी उपाय हैं उनको किया जा सके, चेकिंग के लिए युद्ध स्तर पर इसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की रोकथाम ना हो, इस बात की हिदायत दी गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोविड 19 के संदर्भ में स्थिति इस समय आगरा में कम से कम नियंत्रण में है, पूरे प्रदेश में भी स्थितियां सकारात्मक रूप से बदली हैं, लेकिन ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कभी भी वायरस अभी गया नहीं है, और वायरस के से लड़ने के लिए अभी हमें चिंता की ज़रूरत है। तो हम लोग ने SN मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को, प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त करने का, जो सरकारी हॉस्पिटल से उनको और अधिक प्रभावी बनाने का निश्चय किया है, और इसके लिए जिला प्रशासन को आज निर्देश दिए गए हैं।